हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे डाउनलोड करें। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस सभी वाहन चालकों के पास होना जरूरी है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते समय आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको जुर्माना भी हो सकता है। और अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम जाने पर, खराब हो जाने पर, तो ऐसी स्थिति में भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस स्थिति में आप डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं और इस जुर्माने से बच सकते हैं। दोस्तों, सरकार के नए नियमों के अनुसार अगर आपके पास फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है तो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड किए हुए लाइसेंस को भी दिखा सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ में रखना भूल गए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही काम आ सकता है। तो आज इसी के बारे में हम बात करते हैं कि ये जो ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस है इसे डाउनलोड करके कैसे रखें अपने फ़ोन में। तो दोस्तों, जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में डिजिटल लॉकर नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जिसे डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद ऐप को ओपन करें और ऐप में लॉगिन करें। अगर आप इस ऐप को पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें रजिस्टर करना भी ज़रूरी है। ऐप में रजिस्टर होने के लिए साइन अप पर क्लिक करना होता है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर इंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दे। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड आएगा, उसे दिए हुए बॉक्स में इंटर करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन में आपको यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर आप ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर सबसे पहले अपना आधार कार्ड लिंक कर दीजिए। फिर ऐप के होम स्क्रीन पर लिंक आधार के मैसेज पर क्लिक करना होता है और फिर नेक्स्ट स्क्रीन में अपना आधार नंबर इंटर करें और अप्रूवल कंसेंट पर क्लिक करें। उसके बाद आपके आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड, जिसे दिए गए बॉक्स में इंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। फिर आप डिजी लॉकर के सभी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डिजी लॉकर का जो ऐप है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ जाकर आप क्लिक करके डायरेक्ट इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डिजी लॉकर ऐप के होम स्क्रीन पर आपको इशूएड की टैब को सिलेक्ट करना है। फिर स्क्रीन पर आपको सबसे नीचे सर्च का आइकन दिखेगा, इसे सिलेक्ट करना है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन भी दिखाई देंगे। उसमें से आपको ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑल स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इसके ड्रॉप डाउन मेनू में आपको ड्राइविंग लाइसेंस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब नए स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पिता या पति का नाम सही से इंटर करें और कंसेंट अप्रूवल के मैसेज को सामने टिक कर दीजिए। उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करें। आपका ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होकर डिजी लॉकर ऐप में ही सेव भी हो जाएगा। फिर इसे आप कभी भी इश्यू टैब में देख सकते हैं। डाउनलोड किए गए सारे डॉक्यूमेंट को आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो। तो दोस्तों, इतना सिंपल है ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करना। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना कि ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कैसे करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस लेना हम भूल जाते हैं। तो आप इस डाउनलोड किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने के लिए नीचे कमेंट करें।